आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर जिले की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। ज्यादा बिजली बिल की शिकायत को लेकर उनकी तरफ से घोषणा, कहा गया है कि कुछ जगहों पर बिजली के ज्यादा बिल आए हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ता चिंता बिल्कुल ना करें, जो उपभोक्ता केवल 1 किलोवाट तक की बिजली की खपत रखते हैं उनके बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली स्थगित होगी, वसूली स्थगित कर जांच की जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। ऐसे जितने बड़े बड़े बिल आए हैं उनके पास, जिनके पास कुछ ज्यादा है ही नहीं, जो केवल 1 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, ऐसे सब गरीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की वसूली स्थगित करके जांच करके, नहीं है तो मामा खुद पैसा भर देगा, इनको तकलीफ और कष्ट में नहीं रहने देगा। एक तरफ मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी एक्टिव नजर आता हुआ। सीहोर जिले के 6 विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खुद पहुंचे। दशहरा मैदान में आयोजित बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल पर चुनाव लड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामर्थ्य पर पार्टी काम करती है, और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये जनसंघ से लेकर तब तक हम लोगों को संबल देता रहा है। यहाँ तो कार्यकर्ता खड़ा है, मतलब विजेता है, तो उसका शंखनाद आज से ही शुरू होता है। और आज विधानसभा का सम्मेलन है, किसके लड़ा जाएगा चुनाव, कमल और भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री को इछावर विधानसभा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री, इछावर शहर में प्रवेश जैसे किया तो बीजेपी के एक गुट ने वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नारे में एक ही बात दोहराई गई, इछावर को चाहिए नया चेहरा। दरअसल वर्तमान बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा 7 बार से लगातार बीजेपी विधायक है, प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी हैं, उनकी उम्र भी 70 साल की हो चुकी है, और ऐसे में उनके विरोधी उनके विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रतलाम से अगली बड़ी खबर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बार फिर से बेबाकी से एक और बयान। पर जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा संकल्प। इधर एमपी बीजेपी के सह प्रभारी सांसद रमाशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में खत्म हो गई थी, अब इनकी सदस्यता कब खत्म होती है ये नहीं पता है, आगे पता चलेगा। रामशंकर कटेरिया जी माननीय सांसद को जो सजा हुई है, अभी देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी, इनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है पता पड़ेगा, और इसी पे पता पड़ेगा कि माननीय लोकसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं। और साथ में जब राहुल गांधी जी की सजा को स्थगित कर दिया गया है, स्टे मिल गया है, तो उनकी सदस्यता तत्काल बहाल होती है, इस पर भी हम देखते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बाद प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग की पूर्व HOD को हटा दिया गया। डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाई जा चुकी हैं। डॉक्टर अरुणा कुमार को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भेजा गया है। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में कई गंभीर आरोप इन पर लग रहे थे, और डॉक्टर सरस्वती के परिजन और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। विभाग के फैकल्टी मेंबर्स ने भी आरोप लगाए, और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात हुई, आश्वासन मिला कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल वापस ले ली जाए जिससे तमाम मांगे उनकी पूरी की जाए। मेरे से जूडा के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स मिलने आए थे,
वो सब हमारे छोटे भाई बहन हैं, बहुत सकारात्मक माहौल में उनसे बातचीत हुई। मैंने अधिकारियों को भी उसी समय बुला लिया था, बातचीत हुई, उनके जो इश्यूज हैं उन पर हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम विचार करके निर्णय लेंगे, और हमने उनसे कहा कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे मीटिंग के बाद, मेरे से मिलने के बाद अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। और मैं डॉक्टर्स का बहुत, वैसे भी हर समय इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, हेल्थ के जो हमारे अस्पताल हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं, खासकर जूनियर डॉक्टर्स बहुत मेहनत के साथ मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी जो जो ग्रीवियंसेस, उनकी जो बात। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दमोह पुलिस की सेवाएं लेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पुलिस कार्रवाई से खफा होकर सेवाएं लेने से किया था इनकार, बदलेगा एसपी, तब दी सुरक्षा लेने की मंजूरी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की नई तस्वीर वायरल, बाइक सुधार रहे मिस्त्री के साथ मंत्री जी ने चलाया हथौड़ा, नौगजा रोड शिंदे की छावनी का वाक्य। कमलनाथ के ट्वीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का हमला, कमलनाथ को बताया भेड़िया, बोले काठ की आंडी बार बार नहीं चलती। मध्य प्रदेश कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, धर्म चौपाल लगाएगी कांग्रेस, कमलनाथ की भक्तिमय तस्वीर के साथ लगाई जाएगी चौपाल। राजधानी भोपाल से लव जिहाद का मामला है सामने, युवती की मदद के बहाने ब्रेन वॉश की कोशिश, इस्लाम अपनाने का बनाया था दबाव। सिंगरौली में भाजपा विधायक के बेटे पर 10,000 का इनाम घोषित, दो दिन पहले आदिवासी को गोली मारकर था फरार, बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य का पुत्र है विवेक आनंद वैश्य। भोपाल के चोला इलाके में दिनदहाड़े महिला की हत्या, सलवार सूट पहनकर पहुंचे थे दो लोग, घर के अंदर घुसकर वारदात को दिया अंजाम। जागरण यूनिवर्सिटी में टाइगर की एंट्री, कोलार इलाके में टाइगर ने बाउंड्री वॉल कूदकर किया शिकार, आफत में छात्र और गार्ड की जान। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार की ट्रक से जोरदार टक्कर, हादसे में एसआई, एएसआई और 3 आरक्षक घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पशुपालकों को सीएम भूपेश की बड़ी सौगात, गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को दी सौगात, हितग्राहियों के खाते में 15 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। रायपुर दौरे पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात, गेस्ट ऑफिस में काफी देर तक हुई बातचीत। महापौर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, कोतवाली थाने पहुंचे बीजेपी पार्षद, बीजेपी के वार्ड में कचरा फैलने का लगाया आरोप। रेल यात्रियों की फिर बड़ी परेशानी, 11 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को किया गया रद्द, ट्रैक के रखरखाव और सुरक्षा कारणों के चलते किया गया रद्द। कोरिया में जिला खाद्य अधिकारी सस्पेंड, रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल, कलेक्टर ने की कार्रवाई। जगदलपुर में डेंगू ने फिर दी दस्तक, 2 नए मरीज मिले पॉजिटिव, अलर्ट मोड पर प्रशासन। डेंगू को लेकर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, कई सालों से बंद फाउंटेन की नहीं हुई सफाई, बीमारी फैलने का बड़ा कारण। दुर्ग में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में छात्रा ने लगाई फांसी, परीक्षा में फेल होने से थी दुखी। रायपुर में सड़क पर चले लातकू से मैकहारा अस्पताल और केंद्रीय जेल के सामने मारपीट, 3 युवकों ने एक युवक को अर्ध